इंटरनेट इंटरनेट वही इंटरनेट जो आप अपने मोबाइल्स में, कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप्स में कनेक्ट करते हो, बट वो इंटरनेट होता क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेट इज अ नेटवर्क। नेटवर्क मतलब दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स का जुड़ा रहना। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स विच कनेक्ट एनी कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। इंटरनेट एक तरीके का नेटवर्क है जो दो या दो से ज्यादा बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिस्टम्स को कनेक्ट करता है। किसके माध्यम से? राउटर और सर्वर के माध्यम से। वो कनेक्शन जो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से बना हुआ है, तो उस कनेक्शन को बोला जाता है इंटरनेट। और वो कनेक्शन किसके थ्रू बनाया जाता है? राउटर और सर्वर के थ्रू। इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर विच यूज TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट एक तरीके का कनेक्शन है जिसके द्वारा दो या दो से ज्यादा अनगिनत कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है, और वो कंप्यूटर्स TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके सेंडिंग और रिसीविंग मतलब सूचनाओं को भेजना और प्राप्त करने का कार्य करता है। इंटरनेट एक तरीके का कनेक्शन है जिसके द्वारा दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे को जानकारी, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं भेज पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। तो उसके लिए वो लोग इंटरनेट TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इंटरनेट हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज फैसिलिटीज होती हैं, तो उसके बारे में देखते हैं अब। इंटरनेट प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज लाइक गोफर, WWW वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि फाइल ट्रांसफर मतलब फाइल को ट्रांसफर करना एक्सेट्रा। इंटरनेट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन विच अ डिवाइस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा बाय विच इंटरनेट इज एक्सेस इज नोन एज क्लाइंट, और द प्लेस वेयर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इज नोन एज सर्वर। इंटरनेट इज नोन एज इंटरनेशनल नेटवर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेट एक प्रकार का इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के आधार पर काम करता है। हम जो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, हम हमारे मोबाइल में, सिस्टम में, लैपटॉप्स में इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, तो हम हैं क्लाइंट। और जहां से हम इंटरनेट में रखी गई, सर्वर पर रखी गई जानकारी को देख पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है सर्वर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें हम यानी कि जो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है बंदा वो क्लाइंट कहलाता है, और जहां से इंटरनेट एक्सेस किया जा रहा है उस बंदे को मतलब उस सिस्टम को सर्वर बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट आया कैसे हमारे पास? सबसे पहले 1969 में पहला नेटवर्क क्रिएट किया गया था जिसको बोला गया था आर्पानेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चार कंप्यूटर्स को जोड़ा गया था। कुछ समय के बाद 1972 में बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स को जोड़ा गया, जिसमें कंप्यूटर्स को जुड़ने की जो संख्या थी वो थी 37। मतलब उस समय पर 1972 में 37 कंप्यूटर्स को जोड़ा गया था। 1974 में उन्होंने सोचा कि नॉर्मल जो पीपल्स हैं, हम जैसे आम आदमी लोग, वो आर्पानेट का यूज किस तरीके से कर पाए। तो उस समय उन्होंने ये श्योर किया कि हाँ भाई, नॉर्मल पीपल भी आर्पानेट का यूज कर सकते हैं, तो उसे बदलकर नाम दिया गया टेलनेट। इसके बाद 1982 में कुछ जनरल रूल्स नेटवर्क के लिए बनाए गए थे, जिन्हें हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो यदि आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो तो आप उन सभी रूल्स को फॉलो कर रहे हो, और उन प्रोटोकॉल्स को बोला जाता है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हम ये कह सकते हैं कि 1982 में जब जो इंटरनेट है वो काफी सारे लोगों तक भेजा गया, उसको अवेलेबल कराया गया, तो उस समय उसके कुछ रूल्स बनाए गए थे जिसे बोला जाता है प्रोटोकॉल। और वो प्रोटोकॉल जनरली होता कौन सा है? TCP/IP और TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। बट आज वही इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ता है, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल्स को एक दूसरे से जोड़ता है कंप्यूटर्स, इंटरनेट के माध्यम से। आज कोई भी बंदा कहीं भी बैठकर किसी भी दूसरी लोकेशन पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब एक्सेस कर सकता है।
नेक्स्ट थिंग इज एडवांटेज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट हमें कौन कौन से एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है. सबसे पहले यदि आप अपनी जनरल लाइफ में ही ले लें तो ऐसी बहुत सारी चीजें डे बाय डे हो रही हैं कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पेमेंट्स ऑनलाइन हो गई हैं, ऑनलाइन परचेसिंग हो गई हैं. तो आप अपनी रियल लाइफ में क्या क्या किस तरीके से इंटरनेट का यूज कर रहे हो, आप एडवांटेजेस में वो भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे सबसे पहले यदि मैं बोलूँ तो ऑनलाइन बिल्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, बिल भरना ऑनलाइन, जानकारी को भेजना और प्राप्त करना, ऑनलाइन ऑफिस. आजकल सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो एक तरीके का ऑनलाइन ऑफिस हो गया. ऑनलाइन शॉपिंग हो गया. एंटरटेनमेंट मतलब कि ऑनलाइन पिक्चर्स देखना, म्यूजिक सुनना, वीडियोस देखना, तो ये एक तरीके का एंटरटेनमेंट है. ऑनलाइन गेम्स खेलना. ऑनलाइन जॉब डिटेल एंड एप्लीकेशन, जॉब की जानकारी मिलना ऑनलाइन और उस जॉब के लिए अप्लाई करना ऑनलाइन, तो ये सब भी ऑनलाइन ही हो रहा है आजकल. एजुकेशन बिल्कुल आजकल सब मोस्ट ऑफ द लोग ऑनलाइन ही पढ़ते हैं. जो एजुकेशन है आजकल अभी तो बहुत कम, पर आगे चल के पूरी तरीके से जो एजुकेशन है वो डिजिटली हो जाएगी, जिसमें हमें इंटरनेट की हेल्प से ही पढ़ना होगा. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. कई लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के एडवांटेजेस तो लेते ही हैं, साथ में उसके कुछ डिसएडवांटेजेस का भी शिकार हो जाते हैं. जैसे कि सबसे पहला वेस्ट ऑफ टाइम. कुछ लोग फालतू ही सारा दिन गेम खेले जाते हैं इंटरनेट पर, पूरा दिन अपना बर्बाद करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते, तो एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है. इंटरनेट इज नॉट फ्री, जाहिर सी बात है इंटरनेट फ्री नहीं है, उसके लिए हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, पे ऑफ करना पड़ता है कुछ. तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, यदि हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पे ऑफ करना है, तो हम उस इंटरनेट का एक अच्छी तरीके से यूज करें. हैकिंग, हैकिंग भी होती है, कई सारी वेबसाइट्स होती हैं हैक हो जाती हैं, उनमें कुछ कंटीजीनियस गंदा सा मटेरियल डाल दिया जाता है, तो कुछ हैकिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कि वेबसाइट्स होती हैं, आईडीज होती हैं, वो हैक हो जाती हैं, जिसके कारण हमारी जो वेबसाइट्स होती है करप्ट हो जाती है, तो वो भी एक तरीके का बड़ा प्रॉब्लम है. दूसरा है वायरस. इंटरनेट यदि आप अपने सिस्टम में चला रहे हो तो जाहिर सी बात है वायरस तो आपके सिस्टम में आना ही है. इसके बाद इंटरनेट एडिक्शन. हाँ जी बिल्कुल, इंटरनेट के द्वारा आप एडिक्टेड भी हो सकते हो, मतलब कि एक तरीके का नशा हो जाना. आज यदि अगर आप एक दिन में अपने सिस्टम को बंद कर दो, अपने मोबाइल को बंद कर दो, उसमें इंटरनेट ना चलाओ, तो आप एट द एंड नाइट में तो ओपन कर ही लोगे. बट आपने कभी सोचा है यदि इंटरनेट होगा ही नहीं तो हम किस तरीके से काम करेंगे. तो कहीं ना कहीं सभी लोग इंटरनेट के थ्रू एडिक्टेड हैं. स्पैम एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल इंटरनेट पर कई अलग अलग तरीके की स्पैम एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं, ऐसे विज्ञापन जो हमारे लिए देखना सही नहीं है. यदि हम उन पर क्लिक कर दें तो हो सकता है हमारे सिस्टम में वायरस आ जाए, और कुछ गलत गलत तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो यदि हमने वो देख लिया और हमें वो पसंद आ गई तो हम उसमें लॉग इन करके उसमें परचेस करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है. तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनेट की. यदि इंटरनेट है तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, तो बहुत सारे नुकसान भी हैं. तो हम ये कह सकते हैं जो इंटरनेट है बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है, जिसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं. हम हमारे सिस्टम से जिससे हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो वो एक तरीके से क्लाइंट होता है, और जहाँ से हम जानकारी को एक्सेस कर पा रहे हैं वो होता है सर्वर. तो यदि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो उसे अच्छी तरीके से और सही जगह पर यूज़ करो, और इसके कई सारे एडवांटेजेस भी हैं जो हमें जिन पर हमें ध्यान ज़्यादा नहीं देना है.